पार्ट टू में हमने सीखा था इंस्टाग्राम रील्स अकाउंट ए टू जेड सेटिंग। पार्ट थर्ड में हम सीखेंगे इंस्टाग्राम रील्स वीडियो शूट कैसे करें, इंस्टाग्राम रील्स वायरल वीडियो कैसे बनाए। ये होता है सब कुछ डिपेंड आपकी वीडियो शूट करने के ऊपर, आपको कहाँ पर कैसे किस तरह से किस एंगल से वीडियो शूट करना चाहिए जिससे कि आपकी रील्स वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ लाइक आए, आपका रील्स वीडियो वायरल जाए, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड पार्ट थर्ड बहुत ज़्यादा लेट आया है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है। इसके पीछे का रीज़न ये है, 1 वीक लेट पार्ट थर्ड आने में, कि गाइज आपका भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। गाइज मेरी आइज में एंड स्टोमच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आपका भाई सही से मोबाइल भी नहीं देख पा रहा था, एंड आपका भाई लैपटॉप वगैरह में मोबाइल में कहीं मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्लियर मुझे दिख नहीं रहा था। हालांकि प्रॉब्लम मुझे अभी भी है, बट गाइज क्या करूँ, आपके लिए मुझे कॉन्टेंट लेकर आना है किसी भी तरह। आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो शूट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, इंस्टाग्राम रील्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे रील्स वीडियो शूट करना चाहिए। आप अगर इंस्टाग्राम रील्स की रिक्वायरमेंट अपनी वीडियो में कंप्लीट कर दे तो डेफिनेटली आपकी रील्स वीडियो पर अच्छा व्यूज़ लाइक आएगा एंड आपका रील्स वीडियो वायरल जाएगा। तो गाइस देखिए, फर्स्ट इंस्टाग्राम आपको क्या बोलता है, यहाँ पर मैं मोबाइल ले लेता हूँ। गाइज आप में से ज़्यादातर जो इंस्टाग्राम रील्स के न्यू व्यूवर होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, वीडियो को ऐसे 16:9 साइज में शूट करते हैं। अब गाइज अगर ऐसे वीडियो को शूट करोगे एंड रील्स पर पोस्ट कर दोगे, आपकी रील्स वीडियो को फ्रीज कर दिया जाएगा, उस पर व्यूज लाइक नहीं आएंगे, नहीं वो वायरल होगा। इंस्टाग्राम आपको ये बोलता है कि आपको वीडियो शूट इस साइज में करना है, मतलब आपको 9:16 साइज में वीडियो को शूट करना है। अगर आप ऐसे वीडियो शूट करोगे तो ये होगा 16:9 साइज, तो ये होता है, ये होगा 9:16 साइज। तो हमेशा आपको याद रखना है, रील्स वीडियो आपको हमेशा ऐसे मोबाइल पकड़ के शूट करना है, मतलब सीधे मोबाइल से रोटेट नहीं करना है। यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब इंस्टाग्राम आपको ये भी बोलता है, अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो उसमें भी आप 9:16 साइज में शूट करें। यहां तक आपकी समझ में आ गया। एंड इंस्टाग्राम आपको ये भी बोलता है, सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम की जो रिक्वायरमेंट है सेकंड वो बता रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम आपको ये बोलता है, अगर आपके पास अच्छा लाइटिंग सिस्टम नहीं है, आप इंडोर वीडियो शूट कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ अपना भी एक्सपीरियंस, देखो उसका तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको करनी पड़ेगी। मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम रील्स का, मैं जब भी इंडोर वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ एक न्यू अकाउंट पर जिस पर फॉलोवर्स 0 है, कुछ भी फॉलोवर्स नहीं है, तो उस वीडियो पर 100, 200, 300, 500, 1000 व्यूज नहीं आते, मतलब 400, 500 व्यूज आते हैं एंड 20 से 30 लाइक आते हैं, उस वीडियो पर मुझे भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, आप इंडोर ज़्यादा वीडियो शूट ना करें। अब इंस्टाग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप इंडोर वीडियो शूट करते हो वो भी जान लीजिए। अगर आपके पास इंडोर अच्छा लाइटिंग सिस्टम है, लाइक रिंग लाइट वगैरह एंड रूम में लाइटिंग वगैरह सब अच्छा है, सीलिंग वगैरह में आपका फेस क्लियर दिख रहा है, फिर भी आपको जब आप मोबाइल से वीडियो को शूट करते हो, जो मोबाइल से करते हैं DSLR है तो देखो भाई अलग लाइटिंग सिस्टम चाहिए, आप लोगों को पता है। अगर मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हो तो आप ज़्यादातर क्या करते हो, पर्सन को बता रहा हूँ, ज़्यादातर पर्सन ये करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं एंड वहीं पर कुछ भी सॉन्ग वगैरह सेलेक्ट करते हैं, वहीं पर ऐसे वीडियो को शूट करके पोस्ट कर देते हैं, तो ऐसी वीडियो चलने वाला नहीं है, ऐसी वीडियो पर व्यूज लाइक नहीं आएगा। जब आप इंडोर वीडियो शूट कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल के बैक कैमरे से वीडियो को शूट करें, इसके लिए आपको एक कैमरामैन चाहिए। अगर कैमरामैन नहीं है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो आप एक ट्राइपॉड बाय कर लीजिए, उसमें अपने मोबाइल को सेट कर दीजिए। देन आपको बैक कैमरे से जब आप वीडियो शूट करते हो
तो आपके बैकग्राउंड में मतलब कैमरे तो होते हैं, एक एलईडी लाइट भी होती है, उसको भी आपको ऑन करना होगा। ये रिक्वायरमेंट इंस्टाग्राम की है। उससे क्या होगा, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो पड़ रहा है, आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उससे जब वो लाइट आपके मोबाइल की आपके फेस पर पड़ेगी तो आपका फेस उसमें एकदम क्लियर दिखेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जब आप इंडोर वीडियो शूट करते हो तो आपको कैमरे के साथ साथ बैक एलईडी लाइट भी ऑन कर देना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गया। यहाँ तक वीडियो शूट करते करते आपके मोबाइल की लाइट ऑन होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका वीडियो में फेस क्लियर दिखेगा, आपकी वीडियो इंस्टाग्राम पर चल जाएगी, अच्छे व्यूज लाइक ले लेगी अगर आपका फेस क्लियर दिख रहा है। अदरवाइज आप लाइट ऑफ रखते हो, आपके मोबाइल की बैक कैमरे की लाइट ऑन नहीं है, आपका फेस वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। अब यहां पर भी आपको कुछ पॉइंट बताता हूं इंस्टाग्राम रील्स जो बोलता है। गाइज, आप में से ज्यादातर पर्सन क्या करते हैं, अपने कैमरामैन को तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसको ये नहीं पता होता कि रील्स वीडियो किस एंगल से शूट करना है। तो एंगल सेट करके आप अपने उस कैमरामैन को, अगर नहीं पता अनाड़ी है खुद ही दे कि भाई तुझे यहां पर बैठना है और ऐसे मोबाइल को रखना है, ठीक है, मतलब यहां पर ही तुझे मोबाइल को रखना है, इसको हिलाना नहीं है। क्या करता है कैमरामैन, ऐसे वीडियो को शूट कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा स्टेबलाइजर होता है कि मतलब आपकी वीडियो पूरी हिलती है ऐसे। तो ऐसे उसको ना करने दे, उसको बोलना कि इसको आराम से पकड़े और यहाँ पर तुझे फ्रेम पे सेट रखना है। अब फ्रेम पर कहाँ सेट रखना है गाइज, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आप वीडियो के बीच में आना चाहिए, यहाँ पर आप आना चाहिए बीचों बीच। आप में से बहुत ज्यादा पर्सन क्या करते हैं, कोई साइड में है यहाँ पर आ रहा है वीडियो में, कोई यहां पर आ रहा है, तो ऐसी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल नहीं होती। आपको वीडियो के बीचों बीच आना चाहिए। यहां पर देखो स्क्रीन पर, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो बैक कैमरे से आप सामने हो, ऐसे आपने मोबाइल सेट करके अपने कैमरामैन को दिया, ये ट्राइपॉड में आपने मोबाइल को सेट कर दिया, तो गाइस होगा क्या, आप यहां पर जब स्क्रीन पर बीचों बीच दिखोगे तो इंस्टाग्राम रील्स की एल्गोरिथम की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप यहां पर दिखना चाहिए बीचों बीच, तब आपकी वीडियो वायरल होगा, अदरवाइज आपकी वीडियो वायरल नहीं होगा। अब यहां पर देखो इंडोर का तो आपको पता चल ही गया है, बट इंस्टाग्राम की जो रिक्वायरमेंट है, जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बोलता है कि हम इस टाइप की वीडियो ज्यादा वायरल करवाते हैं, ज्यादा व्यूज देते हैं, ज्यादा लाइक देते हैं, एंड ये रिजल्ट मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। इंडोर मैंने वीडियो शूट किया, वीडियो पर व्यूज कितना आया, 300, 400, 500, इससे ज्यादा नहीं आया। देन मैंने वीडियो आउटडोर शूट किया, एंड इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी जानेंगे, एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी जानेंगे। मेरे अकाउंट पर मतलब जो हल्का ही अकाउंट है 400, 500 आते हैं अगर इंडोर वीडियो शूट करता हूँ। अगर मैं आउटडोर अच्छी लोकेशन पर वीडियो शूट कर देता हूँ तो 3000, 4000 इस तरह से व्यूज जाते हैं उस वीडियो पर, लाइक 400, 500 इस तरीके से, मतलब प्लस जाती है, समझ गए आप, मतलब मुझे आउटडोर वीडियो शूट करके अच्छा रिजल्ट अपनी वीडियो पर देखने को मिला है। अब इंस्टाग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। इंस्टाग्राम की ये रिक्वायरमेंट है, इंस्टाग्राम ये बोलता है आप आउटडोर वीडियो शूट कीजिए एंड सनलाइट में वीडियो को शूट कीजिए, ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी जबरदस्त आए, जबरदस्त आपकी वीडियो क्वालिटी होने चाहिए। एंड आउटडोर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी वीडियो सनलाइट में ही शूट हो रहा है, चलो यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर भी इंस्टाग्राम ये बोलता है आपको अच्छी लोकेशन एक्सप्लोर करना है। आपका व्यूवर आपकी वीडियो पर कम रेस्पॉन्स देता है, यानी आपका फेस देखकर, अगर आप इंडो आई मीन आउटडोर अच्छी लोकेशन पर वीडियो को शूट करते हो तो आपकी वीडियो का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एंड आपका जो व्यूअर है वो लोकेशन देखता है कि लोकेशन यार कितनी जबरदस्त है, वो आपको नहीं देख रहे, वो लोकेशन को देख रहे हैं।
तो इससे क्या होता है, आपकी रील्स वीडियो पर वॉच टाइम ज़्यादा आता है एंड इम्प्रेशन ज़्यादा आते हैं। जब आपकी वीडियो पर इम्प्रेशन ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियसली बात है कि आपकी वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पेज में ज़्यादा पर्सन को दिखाया जाएगा। एंड जब वॉच टाइम ज़्यादा आएगा, आपकी वीडियो पर फुल वॉच टाइम आ रहा है यानी स्टार्टिंग से एंड तक आपकी रील्स वीडियो देखा जा रहा है, तो आपकी वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता पूरे इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम में। कोई भी आपकी वीडियो वायरल होने से नहीं रोक सकता अगर आपकी रील्स वीडियो पर फुल वॉच टाइम आता है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब इंस्टाग्राम रील्स की और भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। आप जिस ऐप से वीडियो को एडिट कर रहे हो, उस ऐप का वॉटरमार्क आपकी वीडियो में ना होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? आप किसी भी ऐप से एडिट कर रहे हो, उसका वॉटरमार्क या कहीं से आपने डाउनलोड करके अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दी, तो इस टाइप की वीडियो आपको नहीं करना है। अपने अकाउंट पर आपको किसी और की वीडियो चुरा के तो पोस्ट नहीं करना है। एंड आपकी वीडियो के अंदर कोई भी वॉटरमार्क ऐप या किसी भी ऐप का होने नहीं चाहिए, बस इतना आप लोग समझ जाओ। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम की और भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजुलेशन आपके कितना होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ गाइज। आपको हमेशा अपने वीडियो शूट 1080 पिक्सल में करना है। आप में से ज़्यादातर पर्सन अपनी वीडियो शूट 480 पिक्सल में करते हैं या फिर 720 पिक्सल में करते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी वीडियो के जो रेजुलेशन है वो लो हो जाएगी। लो रेजुलेशन की जो आपकी वीडियो होती है रील्स, वो कभी भी रील्स पर वायरल नहीं होगा। ऐसी वीडियो इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम हटा देता है। तो जब आप कैमरा ऑन करते हो तो वहां पर आप सेटिंग में जाए एंड वहां पर आपको पिक्सल देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको पिक्सल 1080 कर देना है। एंड रेजुलेशन आप लोगों को मैंने बता दिया है 1080 पिक्सल में अच्छे आते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा 1080 पिक्सल में आपकी वीडियो के जो रेजुलेशन है हाई आते हैं। हाई रेजुलेशन की आपकी वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि आपका मोबाइल 4K सपोर्ट है, इससे ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, तो आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तो रखें, अदरवाइज ज़्यादा भी आप रख सकते हो। आपकी रील्स वीडियो पर आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज आप लोग की समझ में आ गया, वीडियो शूट बैक कैमरे से करें, ऐसे करें, और आउटडोर अच्छी लोकेशन पर ज़्यादा वीडियो बनाएं। जितनी अच्छी अच्छी लोकेशन पर आप जाओगे, जितने मोस्ट पॉपुलर प्लेस को एक्सप्लोर करोगे, उस पर रील्स शूट करोगे, इतना अच्छा रिजल्ट अपनी रील्स पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप में से बहुत ज़्यादा पर्सन तो ऐसा करते हैं, रील्स ओपन करते हैं, उसी के कैमरे से लिपसिंग किया, बस पोस्ट कर दिया, ऐसी वीडियो नहीं चलती। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, एक मोबाइल में उनके ऑडियो चलती है जिस पर वो एक्टिंग करते हैं सॉन्ग पर, एंड आउटडोर बैक कैमरे से उनकी वीडियो शूट होती है। आप लोगों की समझ में आ गया, ऐसे ही आपको भी करना है। अब एडिटिंग की बात कर लेते हैं गाइज। आपको एडिटिंग ऐप बता देता हूँ। फर्स्ट ऐप कैपकट, ये आपको गूगल पर मिलेगा। यहाँ से आप इसका APK वर्जन डाउनलोड कर लेना एंड ये आपको VPN डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, टूर्बो VPN, उससे इसको आपको कनेक्ट कर लेना है। मतलब टूर्बो VPN आपको डाउनलोड करना है, उसको ऑन कर देना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट उससे हो जाता है। देन इसके बाद आप कैपकट को ओपन करें। ये ऐप शॉर्ट वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट ऐप है, इससे अच्छा कोई नहीं मैं मानता। इसके बाद है इनशॉट, उससे भी आप एडिटिंग कर सकते हो, ये आप प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है। थर्ड ऐप VN, VN भी काफ़ी अच्छा है। एंड फोर्थ ऐप है वीटा, वीटा भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड VN ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ये भी आप डाउनलोड कर लेना। एंड एक ऐप है पावर डायरेक्टर, इसका APK मोड आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से उठा लेना। एंड एक ऐप और है काइन मास्टर, ये भी शॉर्ट वीडियो एडिट अच्छा कर देता है, ये भी आप गूगल से APK डाउनलोड कर लेना।
ठीक है, ये सब ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। इन ऐप के अंदर आपको हर एक फीचर्स देखने को मिलेगा गाइज। इन ऐप के अंदर आपको अच्छे अच्छे फिल्टर मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे इफेक्ट मिल जाएंगे, सेट इफेक्ट भी इन सभी ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो जो ऐप मैंने आपको बताए हैं। एंड अच्छे से देख के आप डाउनलोड भी कर लेना सेट इफेक्ट वगैरह, एंड जो भी आप ट्रांजिशन वगैरह लगाते हो सब आपको इन ऐप के अंदर मिल जाएगा। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर है वो सब इन्हीं ऐप का यूज करते हैं, सब कुछ आपको इन ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट फोर में हम जानेंगे इंस्टाग्राम रील्स वीडियो पोस्ट करना कैसे करते हैं, एकदम सही तरीका हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी तक आपने नहीं किया तो कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड।